शिव के लिए शिव चर्चा की है, लोगों के लिए नहीं की है। मैंने महादेव के लिए उनकी चर्चा की है, आम लोगों के लिए नहीं की। ईमानदारी की बात यही है। हाँ, इत्र फरोश यहां से गुजर जाएगा तो सुगंध पूरी पूरे मैदान में फैल जाएगी, तो शिव की बात चलेगी, शिव से लोग जुड़ेंगे, तो वहां तो कल्याण ही होना है। शिव के पास तो अकल्याण का कोई स्कोप ही नहीं है, उसकी कोई भूमिका ही नहीं है। तो मैं क्षेत्रानुगामी नहीं हूं। अगर आपके और अपने बाप के मन से मैं चला होता तो मैं भी झाल बजाते रहता। नौकरी के बाद नौकरी में भी मैं यही शिव चर्चा करता था, मैं भी झाल बजाते रहता। मैंने किसी की बात नहीं मानी। आज भी मेरा पूरा परिवार मेरे बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है, लेकिन विरोध में भी नहीं हो सकता है। जिसके साथ 4 करोड़ से ज्यादा लोग हो, उसका विरोध घर परिवार कैसे करेगा, संभव ही नहीं। लेकिन कोई मेरे साथ नहीं है, इसीलिए कि मैंने आदमी का महत्व कम दिया है, शिव का महत्व ज्यादा दिया है, और आदमी को शिव से जोड़ने की कोशिश की है कि आदमी का जीवन तो सुगंधित हो जाए। जीवन में बहुत कष्ट है, कष्ट तो रहेंगे। मैं ही आया हूं आपके इनरवा, पांव मेरा जला हुआ है। खराब सड़क मिली है कि नहीं मिली है? मिली है तो समझ लीजिए जिंदगी के रास्ते में खराब सड़क मिलनी ही मिलनी है। कोई भी कल आपके पास नहीं है। इस धरती पर जो कोई भी आया है उसे गमों के दौर से तो गुजरना जरूर पड़ा है, तो खराब सड़क मिलनी ही मिलनी है। सबसे बड़ी एक ही उपाय बचता है आपके पास कि सवारी बढ़िया कर लीजिए। मैं कोडरमा से यहाँ आया हूँ, अगर ट्रैक्टर से आता और जैसी सड़क हमको बाईपास में मिली, मेरे कमर में तो दर्द जरूर हो जाता, बूढ़ा हो गया। लेकिन स्कॉर्पियो से आया तो जर्क तो महसूस हुआ, चोट नहीं महसूस हुई। तो जिंदगी की सवारी में शिव को लाइए, खराब सड़क मिलेगी, गमों का दौर आएगा तो दर्द तो होगा, जर्क तो महसूस होगा, चोट से बच जाइएगा। और इसी नियत से मैं महादेव का काम भी करता हूं कि आपकी जिंदगी सुंदर हो जाए, आपके दुख थोड़े कम हो जाएं। और शिव की जब बात करेंगे, शिव से जब आप जुड़ेंगे, उनको ही अपना गुरु बनाएंगे, उनसे बड़ा गुरु कोई होता ही नहीं है, उनको ही अपना गुरु बनाएंगे और इस संबंध को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, तो जिंदगी की सवारी खराब सड़क से हो या अच्छी सड़क से हो, मंजिल तक तो पहुंच जाएगी जरूर। एक दिन आप भी शिव जैसे होंगे, शिव के साथ होंगे, और हम आप सबों को ये अनाधिकार, कोई अधिकार मुझको नहीं है, मैं शिव हूं, अनाधिकार ये आशीर्वाद देता हूं और अपने गुरु से ये प्रार्थना करता हूं कि जीवन आपका सुखमय हो, शिवमय हो, और शिव आपके गुरु हो, आपके गुरु हो। शिव वो तो गुरु हैं। ये भी छोटा मोटा भगवान है, जो सोचता है उसको करता है। भैया जी, हम लुधियाना ये गुरु कार्य कर रहे हैं, फटाफट से सुन रहे हैं कि दीदी मार जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड नहीं निकला, 5 ब्लड की टेस्ट कराए, कुछ भी नहीं निकला। गुरु कार्य करने में मैं कभी नहीं रुकती हूँ, जैसे 20, 25, 30, 35 जब कुछ नहीं निकला तो कुछ नहीं है, तब क्या लंबाई में जी बहुत दर्द करता है, यहाँ दोनों बहुत दर्द करता है। किसी वैद्य से दिखा के दवाई, पुराना बूढ़ा वैद्य होगा। नया साल पे आप दया कीजिए कि गुरु कार्य फटाफट हो जाए। आनंद से आए हैं सर, गुरु कार्य में पहले मजाक उड़ाता था, अभी भी शिव गुरु कहता है, लेकिन शिव का नाम लेता तब फिर हम कि महादेव की ड्रामा है। ऐसा सिर्फ बात दीजिए कि जो जो व्यक्ति हंस रहा है टोटल शिव से रिश्ता जुट जाए। हम बार बार यही दया मांगते हैं, और मेरे साथ तो जो घटना होता है सर वो महादेव जानते हैं, आप तो खुद ही जानते हैं। अब उनसे लिंक जुटा हुआ है सर, आपके आशीर्वाद से इस जगह आए हैं, महादेव की दया से आप लोग, मैंने आपके बीच आए सर। कहाँ से आए हो? लखीसराय चानन प्रखंड। बुझ गया।
और अपने से बातचीत सर 2011 में दया मांगते मांगते 10 बार दया मांगे, कभी 200 आदमी पीछे, कभी 1000 आदमी पीछे, फिर महादेव से बार बार दया मांगे, जिनकि इसमें मैसेज मिला कि साहब नहीं मिलेंगे, लेकिन महादेव से दया मांगे कि भैया से आज भेंट हो। रंजीत भैया के फोन किया कि नहीं मिलेंगे, 8 और 24 अब 22 को मिलेंगे हमको, 8, 10, 22 और 24 हमको। अच्छा महादेव का दया हो, डॉक्टर साहब को पूछे, अगले साल 2018 में भी आए, लेकिन महादेव से हम दया मांगे कि भैया से भेंट हो, ये मेरे भी गुरु हैं तो भैया से भेंट करवाए। ये शपथ 2004 में शिव को गुरु माने थे, और मन में जब रंजीत भैया आपके निकट बैठता था तब उनसे कहते कि थे कि आप उनसे मुलाकात क्यों होता है, वो बोला कि जब तक शिव का अंश नहीं होगा आपसे भूत भेंट भाट नहीं होगा। शिव से रिश्ता लगाए, एक एक 11 को चित्तौड़िया में भेंट हुई, जो अपने आदेश किया अब तो खुद ही जानते हैं साहब, और मेरे बारे में जो कि पैसा निकाले दिन में और रात में गायब, जो कि बेबी बट्टी बच्ची को शादी थी। खैर महादेव को हम पकड़ते रहे और शादी भी हुआ। अब आपसे यही दया मांगते हैं कि जिस तरह शिव गुरु लोग उठता है, कम से कम कर कहाँ जा रहे हैं शिव गुरु, शिव से बोलता है, आप यही कहिए कि सारे लोग चानन में बदला हो जाए सर, यही आपसे दया मांगने के लिए हम आए हैं। हम महादेव से मांग रहे हैं दया कि जहाँ हम लोग चलते हैं कहता है शिव चर्चा वाला, हाँ यहाँ इधर शिव गुरु कहता है, हम जिला में मजिस्ट्रेट थे तो हमको कहता था, लेकिन हमको साथी सब कहता है, पब्लिक को एकदम नहीं है, साथी सब कहता है। तो हम महादेव से कहा है देखिए हमको आपके नाम पर आपका हाल चाल, क्या बस महादेव का क्या हाल है, मुझसे तो पूछ रहा है जी, जी है हमको बुरा नहीं सर कर देता नहीं सही। हमने कहा महादेव से सरकार आपका हाल चाल हमसे पूछता है, लगा कि हमको कोई बोल रहा है कि तुम्हारा हमारा हाल चाल तुमसे पूछता है, तुम इतना बड़ा आदमी हो गया, महादेव का हाल चाल कोई आपसे पूछ रहा है, इसका मैंने पूछ रहा है आप महादेव का नहीं जी, पूछ रहा है जी, हमारा हाल चाल तुमसे लोग पूछ रहा है और तुमको खराब लग रहा है, तुमको तो खुश होना चाहिए कि मेरा हाल तुमसे पूछ रहा है, बेवकूफ नहीं, मेरा हाल किससे पूछेगा जो यहाँ नहीं आता, उसे जानते हैं कि साहब के साथ रहता है, उसी से पूछेगा साहब की तबीयत कैसी है या कैसे है।